निजी जिंदगी में उठा पटक झेल रहे टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को अब इसका असर अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी झेलना पड़ रहा है। इसका उदाहरण हाल ही में देखने को मिला जब अमेरिका ने शमी को वीजा देने से मना कर दिया। दरअसल भारत के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी पर उनकी पत्नी हसीन जहां ने केस किया हुआ है और मामला लंबित है। खबरों की माने तो इसी वजह से अमेरिकी दूतावास ने उन्हें वीजा देने से मना कर दिया था। हालांकि बीसीसीआई के सीईओ राहुल जौहरी ने शमी के कुछ अतिरिक्त दस्तावेज भी दिखाए, जिसके बाद ये मामला सुलझा और उन्हें वीजा मिल गया। वीजा मिलने के साथ ही शमी के अमेरिका जाने का रास्ता भी साफ हो गया। बोर्ड ने सभी खिलाड़ियों का वीजा P1 कैटेगरी में आवेदन किया था। सभी खिलाड़ियों का पहली बार में आवेदन क्लियर हो गया था, जबकि शमी का वीजा बोर्ड के दखल अंदाजी के बाद क्लियर हुआ। मोहम्मद शमी वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाले 3 वनडे और 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए टीम इंडिया का हिस्सा हैं। टीम इंडिया वेस्टइंडीज के साथ 3 T20, 3 वनडे और 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी। T20 के शुरुआती 2 मैच अमेरिका के फ्लोरिडा में खेला जाएंगे।